मैं ब्रह्मवासी विश्वकर्मा जन विकास आवाज की ओर से आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। इस समय हम मौजूदा संतोष भवन एरिया में हैं। ये नाला सपड़ा ईस्ट में पड़ता है। हम यहाँ पे आए हैं और लॉकडाउन का आज 12वां दिन है और लॉकडाउन के 12वें दिन पे हम यहाँ पे देखने आए हैं कि लोगों को के बीच कि किस तरह लॉकडाउन का पूरी तरह पालन किया जा रहा है। हमने संतोष भवन के रोड पे देखा, मेन रोड पे देखा, पिल्लार रोड पे देखा कि वहाँ पे सभी दुकानें बंद थी और लॉकडाउन का पूरा पालन किया गया है। इसी बीच हम संतोष भवन के अंदर कुछ गलियों में आए हैं, लोगों को मिलना चाह रहे हैं और लोगों के पास आ रहे हैं और हम आगे चलते हैं, देखते हैं कि वहाँ के गलियों के बीच में लोग किस तरह से लॉकडाउन के दौरान अपने घरों में लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं। लोगों का जमावड़ा आगे दिखा, लॉकडाउन की तरह लोग अपने बाहर घरों के बाहर अपने दिखाई दे रहे हैं। देखिए बाहर लोग दिखाई दे रहे हैं अपने घरों के लिए। आज 12वां दिन है लॉकडाउन का, किस तरह अपने लोग अपने व्यतीत कर रहे हैं। हाँ, इसी बीच हमें कुछ लोगों के दर्शक दिखाई दिए। हम चलते हैं उन दर्शकों से पूछते हैं कि आप लॉकडाउन का 12वां दिन है और किस तरह से आप जीवन अपन कर रहे हैं और किस तरह से आप बाहर निकल के मोमेंट बना रहे हैं। मुलाकात कुछ एरिया के लोगों से हुआ है, उन लोगों से हम बात करना चाहेंगे। कहते हैं कि आप लॉकडाउन लिए। मेरा नाम अमित कुमार विश्वकर्मा है और मैं वार्ड क्रमांक 71 में रहता हूँ। क्या करते क्या हैं आप? मैं फर्नीचर का काम करता हूँ और आज के डेट में देखा जा रहा है कि कुछ पब्लिक ऐसे हैं कि लॉकडाउन की वजह से किसी के घर में कोई कोई ऐसा है कि जिसके घर में खाना पीना नहीं है। किसी संस्था के माध्यम से आए हैं क्या? जी नहीं, संस्कार के माध्यम से हैं, वो अलग जगह है। हम जो है कि हमारे भावी नगर सेवक विनीता बाबुलनाथ विश्वकर्मा है, उनकी तरफ से आए हुए हैं। अच्छा, आप नगर सेवक के तरफ से आए हैं। क्या कर रहे हैं आप? आपको मालूम है कि लॉकडाउन के दौरान आपको अपने घर में रहना चाहिए। जी हाँ, लेकिन आज के डेट में जो भूख से प्रताड़ित हो रहे हैं उनके लिए हम घर घर जो भी हमसे हो सक रहा है हम वो पहुँचा रहे हैं, अन्न कर रहे हैं, दान कर रहे हैं। क्या पहुँचा रहे हैं आप आज के डेट में? आज जो है कि पूरी सब्जी जो भी है हमारे पास वो हम दान कर रहे हैं। दिखा सकते हैं आपको खाने पीने की चीज़ें क्या है? चलिए आगे देखते हैं कि गलियों किस तरह से लोगों की हेल्प किया जा रहा है, एक दूसरे की मदद कर रहे हैं। लोग बाहर निकल के अपनी मदद कर रहे हैं। तो दर्शकों को दिखाइए हमारे कि गलियों में किस तरह से लोग रह रहे हैं। ये देखिए, दिखाइए आप क्या दे रहे हैं लोगों को। भीड़ मत इकट्ठा कीजिए, आप ध्यान दीजिए क्योंकि आप जो कोई वितरण कर रहा है थोड़ा ध्यान दीजिए। क्या क्या है इसमें? एक खोल के दिखाएंगे पैकेट का हमारे दर्शकों को। भीड़ इकट्ठा मत कीजिए, थोड़ा डिस्टेंस बनाइए। देखिए ये खाने पीने की चीज़ें वितरण कर रहे हैं संस्था के माध्यम से जो कि आए हैं और खाने की व्यवस्था की गई है। ये पूड़ी है और सब्जी है। ठीक है, आप कहाँ कहाँ वितरण कर चुके हैं सर, कुछ बताएंगे क्या? अभी अन्ना डिश में ही बट रहे हैं। और आगे कहीं आप देना चाहते हैं? अभी दुर्गा मंदिर और अपना चौधरी कंपाउंड में जाना है। कितने लोग सहयोग कर रहे हैं कम से हा? कितने लोग मिलकर अभी सहयोग कर रहे हैं आप? सहयोग में काफ़ी लोग हैं। हाँ, काफ़ी लोग हैं। इस तरह से लोग खाने पीने की चीज़ों का वितरण कर रहे हैं, एक दूसरे की सहायता कर रहे हैं और आगे बढ़ के आ रहे हैं। और आगे चलते हैं और देखते हैं कहाँ तक आपका वितरण कर रहे हैं। विनीता विश्वकर्मा जी हैं जो कि संस्था के माध्यम से अपने माध्यम से लोगों को किस तरह खाने का वितरण कर रही हैं। हमारे दर्शकों को दिखाइए किस तरह से वितरण कर रही हैं और घर घर जाके वितरण कर रही हैं। और उनके पति मिस्टर बाबुलनाथ विश्वकर्मा जी भी हैं, उनका सहयोग कर रहे हैं, प्लस उनके कार्यकर्ता भी हैं। जो कार्यकर्ता है वो पूर्ण रूप से भावपूर्वक काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं।